नमस्कार दोस्तों, विकास मोबाइल रिपेयर सर्विस सेंटर में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज हमारे पास एक जियो का 220 फोन आया है। इसका प्रॉब्लम ये फोन फुल शॉर्ट हो चुका है। तो गाइस, मैं आप लोग को डीसी पावर सप्लाई पे इसका शॉर्ट कैसे निकालते हैं मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे 4 वोल्टेज 5 एम्पीयर पे डीसी पावर मशीन को सेट कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जब फोन को कनेक्ट किया तो यहाँ पे फुल शॉर्ट का रीडिंग शो कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मैं इस पर कनेक्ट कर लिया हूँ, फिर भी गाइस यहाँ पे कुछ एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि ये सेट जो है ये फुल शॉर्ट हो चुका। तो यहाँ पे कोई भी हीटिंग वगैरह शो नहीं कर रहा है, ना तो कहीं पे भी गर्म हो रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ हर जगह टच करके देख रहा हूँ, फिर भी कहीं पे कोई हीटिंग वगैरह नहीं दिख पा रहा है, ना तो कोई आईसी गर्म हो पा रहा है। तो गाइस, आप इसी तरीके से वीडियो पर हमारे साथ बने रहें। इसे कैसे ठीक करना है मैं आप लोगों को इसको एक बार ठीक करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। कोई भी टेस्ट वगैरह, कोई भी मल्टीमीटर से मैं इसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं किया हूँ, और डायरेक्ट मैं इसे डीसी पावर सप्लाई से इसका शॉर्ट निकाल करके दिखाऊंगा। तो गाइस, मैं इसे एक बार माइक्रोस्कोप से देख करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि इसमें मैंने कहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर माइनस और प्लस पे कनेक्ट कर लिया है। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमें सबसे पहले यहाँ पे रोजिन धुआं को अप्लाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे रोजिन धुआं जितना भी जहाँ जहाँ भी कैपेसिटर या तो डायोड या तो जो भी आईसी लगा होगा सबके ऊपर मैं एक बार धुआं को छोड़ लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करूँगा और उसके बाद देखूँगा कि कहाँ पर गर्म हो पा रहा है, क्योंकि हाथ से छूने पर तो पता नहीं चलता है। तो मैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं सब तरफ इसका एक बार रोजिन को अप्लाई कर ले रहा हूँ। तो आप वीडियो पर बने रहें गाइस। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं इसका शॉर्टिंग को कैसे निकाला हूँ, कैसे फाइंड डाउट किया और इसका शॉर्टिंग को बाहर किया। तो गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं सब जगह पे रोजिन को अप्लाई कर लिया है। जितना भी कैपेसिटर आईसी रजिस्टर वगैरह था सब तरफ मैंने बारीकी बारीकी करके सब तरफ धुआं को छोड़ दिया है। क्योंकि तो गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका काफ़ी सारा आईसी भी डैमेज हो चुका है, क्योंकि जिस दुकानदार भाई के पास गया रहा होगा वो सारा आईसी को तोड़ दिया। तो भाई, ऐसा मत किया करो यार, आईसी वगैरह को मत तोड़ा करो, क्योंकि आपसे जो हैंडसेट नहीं बन पाएगा वो हमसे शायद बन जाए, वो हमसे नहीं बन पाएगा वो आपसे बन जाए। तो आईसी वगैरह को ना तोड़ा करें, ताकि कोई अगले मिस्त्री को बनाने पे तकलीफ होता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दें, आईसी को ज़्यादा तोड़ा ताड़ी ना करें। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, काफ़ी आईसी भी इसका डैमेज हो चुका है। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर जैसे डीसी पावर सप्लाई पर कनेक्ट किया तो कहीं भी कोई हलचल नज़र नहीं आया। तो अब हम इसे इस पर थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ा करके ट्राई करेंगे कि तो ताकि इस पर पता चल जाए कि कहीं पे इसका आईसी शॉर्ट या तो गर्म वगैरह हो रहा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा इसका टेम्प वोल्टेज को बढ़ा दे रहा हूँ। तो आप देखते रहिएगा कौन सा आईसी हीट हो रहा है, तो मैं इसका वोल्टेज को बढ़ाने वाला हूँ। तो गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका एक जो कैपेसिटर था वो वहाँ पर बर्न हो चुका है, वहाँ पर जो मैं रोजिन अप्लाई किया था वो पिघल चुका है। तो गाइस, यही हमारा शॉर्ट है। तो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा कभी कभी इस टाइप का शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वो मिल नहीं पाता है। तो मैंने इसे जब टेस्ट किया था तो सारा का सारा जगह जितना भी कैपेसिटर है सब पे शॉर्ट आ रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि सब ऐसे ही शॉर्ट था, तो वो सब शॉर्ट नहीं था। इसको मेरे को चेक करने पे
मैं जब इस पर टेस्ट किया तो सारा का सारा ऐसी ही शॉर्ट बता रहा था, तो मैं सोचा कि सब ऐसी को चेक करना बेकार है, क्योंकि इस पर जिस दुकानदार भाई साहब ने इस पर काम किया था वो उसे भी यही डाउट लगा होगा। इसी वजह से आप देख पा रहे हैं जितना भी ऐसी था सब तोड़ दिया गया है। तो गाइस आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जितना भी ऐसी है सब क्यों टूटा हुआ है। तो ये जो हमारा ऐसी था तो शॉर्ट निकला, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं इसका जो कैपेसिटर था जो इस पे शॉर्ट आया था उसे मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है, और हम इसे एक बार क्लीन कर लेते हैं। तो हम इसे एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि यही एक्चुअल में यही आईसी हमारा शॉर्ट है या किसी और आईसी की वजह से ये शॉर्ट था। तो हमें इसे एक बार टेस्ट करके देख लेना है ये आईसी पे क्या रीडिंग आ रहा है, ये शॉर्ट था या नहीं था। तो मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं मैं जो आईसी निकाला हूँ ये वही आईसी है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा यही आईसी तो शॉर्ट नहीं था, क्योंकि 100% यही आईसी मेरे ख्याल से शॉर्ट था, क्योंकि और कोई आईसी वहां पे बर्न नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अलावा यही आईसी जो हमारा बर्न हुआ था। तो हम एक बार इस कैपेसिटर को टेस्ट करके देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइस ये कैपेसिटर ही हमारा शॉर्ट था, तो ये जो हमारा जो शॉर्ट था वो फैनी निकल चुका है। तो अब हम यहाँ पर एक बार डीसी पावर सप्लाई मशीन पे एक बार हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि इसका शॉर्ट गया या नहीं गया, कि अब भी इस पर शॉर्ट आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं मैं इसका सारा जगह पे जितना भी था सब जगह एक बार रोजिन अप्लाई किया था, उसका एलसीडी भी आप देख पा रहे हैं फूटा हुआ है। तो मैं इसे चलिए कनेक्ट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ कि इसका शॉर्ट हटा या नहीं हटा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, अभी एकदम 0-0 आ रहा है, क्योंकि ये कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। तो हम इसे एक बार स्टार्ट करके देखते हैं ये फोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा हैंडसेट ऑन हो चुका है, इसका एलसीडी पे लाइट वगैरह भी जल चुका है, लेकिन इसका जो एलसीडी है फ्रेंड्स वो फूटा हुआ है, क्योंकि इसका फूट चुका है, इसके वजह से इस टाइप का आ रहा है, इस पर ग्राफिक वगैरह नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।